पापा, तुम्हारी सेहत इतनी खराब लग रही है, ना पर तवज्जो दिया करो ना, यूं टेंशन लेने से क्या होगा? किस किस बात की टेंशन मानू? मिसकैरेज हो गया, नौकरी चली गई, इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ा, जिस काम में हाथ डाल के खराब हो जाता है, इसमें भी खराब। नौकरी कैसे गई? छुट्टियां की थी तो अभी ये रखी। अब नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अभी मेरी पहली तनख्वाह है। रख लो बेटा, बहन इतने प्यार से दे रही है। तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें हर चीज बहुत अच्छी मिली है। अल्लाह का शुक्र है आप ही, लेकिन आपने अपनी तालीम क्यों नहीं कंप्लीट की? एग्जाम्स भी नहीं दिए आपने। कैसे देती? नौकरी करती, एग्जाम देती। चलिए नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में क्लियर कर लेगा। ये अधूरी तालीम का क्या फायदा? कोई हाथ में डिग्री तो होनी चाहिए ना बेटा। कुछ मसलों का हल नहीं होता, वो हमारी तुम्हारी जिंदगी में आसमाइशें बनकर आती हैं। अनम भी हमारी जिंदगी में आजमाइश ही है। लेकिन बेटा, तलाक तो इस मसले का हल नहीं। चाचा, मैं भी आपकी तरह से समझा समझा के थक गया। उसकी जिद, उसकी मनमानियां, बेवकूफियां मेरे लिए वबाल बन रही हैं। तुम बहुत अच्छे समझदार इंसान हो। अनम जैसे लोग जिंदगी में आए तो समझदार के लिए आजमाइश और बढ़ जाती है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। मेरी माँ के तो वो इतना खिलाफ है कि क्या बताऊं मैं। बेवकूफ है वो, जिसको अपना दुश्मन समझ रही है वही उसका हमदर्द है। उन्होंने ही मुझे फोन करके तुम्हें समझाने को कहा। बेटा, इस बुढ़ापे में उस पर नहीं बल्कि मुझ पर रहम करो। ये देखो मां, मैंने ना ये ऑनलाइन जॉब करने का सोचा, पेमेंट भी डॉलर्स में मिलेगी। ये किन चक्रों में पड़ गई? तुम यूनिवर्सिटी में जॉब करती हो ना, तुम्हारे पीआर भी अच्छे बनेगी, तुम इनको पेशे मेरी मदद करना। आप ये पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट से अपनाएं प्लीज। और I'm sorry, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। शॉर्टकट नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है ये। आप ये ऐसी मेहनत वाला काम ना सिर्फ दो चार दिन के लिए चलता है, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप एजुकेशन कम्प्लीट करें और जॉब अप्लाई कर लें। जॉब? अब्बा ने सारी उम्र जॉब करके क्या हासिल कर लिया? हमारी मेहनतों का सला हमें माहम जैसी लाइक फाइक बेटी की सूरत में मिला है। मैं बहुत नालायक हूँ, उससे मेरी मदद भी नहीं कोई करता है। अम्मा वो घर चले, हम आज की बर्थडे और इंतजार करें हमारे। आप इतना ख्याल रखिएगा प्लीज, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।